अदालत का हैरत अंगेज फैसला। आप भी फैसला सुनकर कहेंगे कि वाह क्या फैसला दिया, जो दुनिया के लिए बड़ी नसीहत है। मामला क्या था? मारपीट, बस पूरा वीडियो देखें। की अदालत ने एक मामले में मुस्लिम शख्स को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को कैद या फांसी की सजा नहीं सुनाई है, बल्कि 5 वक्त नमाज पढ़ने और पेड़ लगाने की सजा सुनाई है। नासिक के मालेगांव की अदालत ने सड़क हादसे में हुए झगड़े के केस में शख्स को दोषी ठहराते हुए कहा कि वह लगातार 5 वक्त नमाज अदा करे और 2 पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करे। मालेगांव की अदालत के मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह संधू ने 27 फरवरी को एक आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में एक जज को यह अधिकार मिला है कि वह किसी भी आरोपी को उचित चेतावनी या सलाह देकर छोड़ सकता है, ताकि यह निर्धारित हो सके कि वह दोबारा अपराध न करे। यहाँ उचित चेतावनी का मतलब है कि आरोपी ने अपराध किया है और उसे दोषी भी ठहराया गया है। गौरतलब है कि साल 2010 के एक केस में रऊफ खान नामी ने सड़क हादसे के बाद झगड़े में एक व्यक्ति पर कथित तौर हमला किया था, जिसमें वह जोटिल हो गया था। किसी मामले में पीड़ित व्यक्ति ने रऊफ खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी मामले में कोर्ट ने रऊफ खान को दोषी मानते हुए कहा कि वह नियमित रूप से नमाज अदा नहीं कर रहा है, इसलिए कोर्ट ने दोषी को 28 फरवरी से लगातार 5 वक्त नमाज अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट के आदेश में सोनापुरा मस्जिद के कैंपस में उसे 2 पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया।